ज्योतिष शास्त्र में सत्य ज्ञान रूपी उत्तम रत्न सत्य और असत्य के मिश्रण रूपी समुद्र में डूब गया था। मैंने बुद्धि रूपी जहाज पर चढ़कर देवतानुग्रह से उसे उस समुद्र में से निकाला है। यह आर्यभट्ट की अपनी कृति के प्रति कही गई बात है। इस कृति ने उसे अपार ख्याति प्रदान की। इतना ही नहीं, भारतीय गणित और खगोल विज्ञान में प्रतिभा संपन्न किसी एक के नाम से अब तक के प्रकाशित ग्रंथों में से उपलब्ध महत्वपूर्ण ग्रंथ आर्यभट्ट ही है। इससे ही उसका महत्व सिद्ध होता है। ईसा की 16वीं शताब्दी तक इसी कृति को गुरुकुलों में पाठ्य ग्रंथ के रूप में भारतीय विद्यार्थी पढ़ा करते थे। इस कृति ने भारतीय खगोल विज्ञान में एक नई पंथ का निर्माण किया। उस पंथ के अनुयायी स्वयं को आर्यभट्ट के शिष्य कहलाने में गर्व अनुभव करते हैं। उनके शिष्य उन्हें भगवान, प्रभु इत्यादि नामों से संबोधित करते थे। तम भास्कर ने कहा है, खगोल ग्रहों की गतियों के बारे में आर्यभट्ट के अलावा किसी को ज्ञान नहीं था। आर्यभट्ट ही भारत के प्रथम खगोल शास्त्री या गणितज्ञ नहीं थे, उससे पहले भी यह शास्त्र थे। शास्त्र के अनेक जानकार एवं मेधावी विद्वान थे। पंचांग के नियम, नक्षत्र विभाजन ईसा पूर्व 14 अथवा 13वीं शताब्दी में ही भारत में प्रचलित थे। वेदों में भी इस ज्ञान के बारे में कुछ विवरण मिलते हैं। पंचांगों का निर्माण करना वैदिक क्रियाओं के लिए आवश्यक तिथियों व मुहूर्तों के निर्धारित करना, ग्रह अमावस्या को पहले ही जानना खगोल शास्त्र का मुख्य प्रयोजन है। इसके बाद सिद्धांत नाम के खगोल शास्त्र के ग्रंथों की रचना हुई। खगोल विज्ञान के प्रवर्तक आर्यभट्ट के समय में भारतीय खगोल शास्त्र की बड़ी दुख स्थिति थी। उस समय प्रचलित पैतामह सिद्धांत, सौर्य सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और पैलिस सिद्धांत, ये पांचों सिद्धांत पुराने हो चुके थे। गणित के ठोस परिणाम उनसे प्राप्त नहीं होते थे, वे उपयोगी नहीं रहे थे। ग्रहों की स्थिति, ग्रहण का समय आदि गणित के आधार पर जो प्राप्त होता था उसमें और प्रत्यक्ष स्थिति में भारी अंतर रहा करता था। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठने लगा, डगमगाने लगा। इस विज्ञान की त्रुटियों को, कमियों को दूर कर उसे नवीन और प्रभावी रूप में आर्यभट्ट ने प्रस्तुत किया। आर्यभट्ट के पूर्व भी कुछ विद्वानों ने इस दिशा में प्रयत्न किए थे, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी थी। 6वीं शताब्दी में एक खगोल शास्त्री के रूप में आर्यभट्ट ने मान्यता प्राप्त कर ली थी। एक ऐसे शास्त्री जिन पर पूर्ण विश्वास किया जा सके, इस भांति उन्होंने खगोल शास्त्र को भी अपने प्रयासों से पुनः प्रतिष्ठित किया। लोग उन्हें भारत के खगोल शास्त्र के प्रवर्तक के रूप में जानने लगे। कुसुमपुर आर्यभट्ट मुख्यतः कहाँ के थे, इस प्रश्न का उत्तर भी स्वयं की ही अपनी कृति में देते हैं। ब्रह्म, भूमि, चंद्र, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, गुरु, शनि और नक्षत्र समूहों को उनके आदि देवताओं के साथ नमस्कार कर कुसुमपुर में जनता की मान्यता प्राप्त आर्यभट्ट ग्रह गति ज्ञान को समझने के साधन तंत्र को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। पर्सिया के विद्वान अल्वरूनी ने भी कई बार कुसुमपुर के आर्यभट्ट इस शब्दों में ही अपने लेखों में उनका उल्लेख किया है। कुसुमपुर का अर्थ है पुष्पों का, फूलों का नगर। बाद में वह पाटलिपुत्र कहलाया गया। इस नाम परिवर्तन की भी एक रोचक कथा है। चीनी यात्री हुएंत संग पाटलिपुत्र में कुछ दिन रहा था।
उसके अनुसार एक बार कुछ विद्यार्थी नगर के बाहर घूमते हुए निकल गए। एक बड़े पटाल वृक्ष की छाया में भी बैठे कि उनमें से एक अचानक अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे मित्र ही थे। अपने साथी की व्याकुलता को देख उन्होंने समझा, इसे प्रेम पीड़ा हो गई है, इसकी औषधि तो विवाह ही हो सकती है। उन मित्रों ने पाटाल वृक्ष के पुष्पों से शोभित एक डाली तोड़ी और उसे वधू बनाया। दोनों मित्रों ने उसके माता पिता का अभिनय किया और वह डाली वधू के रूप में उस पीड़ित विद्यार्थी को दे दी। यह लो तुम्हारी प्रियतमा, इसका स्वीकार करो, कहकर विवाह करा दिया। उस विद्यार्थी ने सहर्ष उस डाली को स्वीकार करके अपनी कृतज्ञता प्रकट की। जब भी शाम को घर लौटने के लिए निकले तो इस विद्यार्थी वर ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया। उसके हाथ में पाटाल वृक्ष की डाली अभी भी वैसे ही है। उसने कहा, रात को यहीं ठहरूंगा। जहां पेड़ था उस ओर रात को एक महल दिखाई दिया। चारों ओर चकाचौंध करने वाली क्रांति फैल गई। मधुर संगीत गूंजने लगा। उस भवन से वृद्ध दंपत्ति एक बालिका को लेकर जुलूस से उसकी ओर आए। वृद्ध ने कहा, यह लो तुम्हारी वधू, इसे स्वीकार करो। विवाह धूमधाम से हुआ। एक वर्ष बीत गया। वे सभी उस अभिमंत्रित वातावरण में ही थे। नूतन दंपत्ति को पुत्र भी हुआ। जब विद्यार्थी वर ने यह आशा व्यक्त की अपने पुत्र को नगर ले जाएं, तब वृद्ध ने, उधर क्यों जाते हो, तुम्हारे लिए यही एक नगर निर्माण करता हूँ। यह कहते हुए एक विशाल नगर का निर्माण किया। उसका पाटलिपुत्र और अर्थात पाटली वृक्ष के पुत्र का नगर नाम दिया गया। यही पाटलिपुत्र के नाम से रूढ़ हुआ। चीनी यात्री ने इस नगर को पोतोलित से ऐसा कहा। आर्यभट्टीय के प्राचीन टीकाकारों में से एक प्रथम भास्कर आर्यभट्ट को अस्मणाचार्य और उनके शास्त्र को माक तंत्र बताया। खगोल विज्ञान को अस्माक गणित कहा गया। अस्माक जनपद वालों को इस शास्त्र का ज्ञान काफी था, ऐसी जानकारी भी उसने दी है। कई पुराणों में अस्माक जनपद का उल्लेख है। कुछ विद्वानों का यह मत है कि यह जनपद विद्य पर्वत के दक्षिण में बहने वाली नर्मदा नदी तथा गोदावरी नदी के बीच का प्रदेश था। आर्यभट्ट के माता पिता इसी अस्माक जनपद के थे। हो सकता है आर्यभट्ट का जन्म भी यही हुआ हो। सुमपुर बाद में पाटलिपुत्र पटना कहलाया। मगध बिहार की राजधानी का नगर बना। आर्यभट्ट ने इसी नगर में अपने प्राचीन व प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्ट की रचना की। मगध उन दिनों विद्या का एक प्रमुख प्रसिद्ध केंद्र था। विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय इसी राज्य में था। इस विश्वविद्यालय में खगोल शास्त्र के अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग ही था। इस प्राचीन श्लोक आर्यभट्ट के जन्म की प्रशंसा में कहता है, कलयुग में कुसुमपुर में स्वयं सूर्य ही ज्योति शास्त्र में निपुण कुलप आर्यभट्ट के रूप में जन्मा था। इसमें कुलप शब्द से ध्वनित तो होता है कि आर्यभट्ट नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति भी था। नालंदा विश्वविद्यालय इस संबद्ध 5वीं-6वीं शताब्दी में काफी उन्नत अवस्था में था। आर्यभट्ट का भी यही काल था। इस ग्रंथ का प्रचार दक्षिण भारत में विशेष हुआ। 16वीं-17वीं शताब्दी सदा तक दक्षिण में इसका अध्ययन अध्यापन जारी था। इसी के आधार पर बने पंचांग आज भी दक्षिण में वैष्णव पंथ में मान्य है। ये सिद्धांत दक्षिण में ही अधिक प्रचलित होने से आर्यभट्ट दक्षिण के ही होंगे, यह तर्क कुछ विद्वानों ने किया। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि आर्यभट्ट मूलतः केरल के ही थे।
पृथ्वी अपने ही इर्द गिर्द घूमती है, यानी उसे दैनंदिन गति है। यह मानने वाला ज्योतिषी भारत में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ही था। काल, अब के 28वें महायुग में 3 पदों के बीत जाने पर कलयुग में 60 वर्षों तक चक्र 60 आवर्तों को पूरा करने के पश्चात मेरा जन्म होकर 23 वर्ष बीत चुके हैं। इस दृष्टि से कलयुग के 3600 तक आर्यभट्ट 23 वर्ष की उम्र का था। कली 3600 माने ईस्वी सन 476 के लिए आर्यभट्ट ईस्वी सन 476 में जन्मा था। और भी निश्चित गणित करने वाले विद्वानों ने इसे इस रूप में रखा। कलयुग के 3600 वर्ष पूर्व होकर लंका अथवा उज्जैन के पास मध्या सूर्य मेष राशि में प्रवेश करने पर मध्यम मेष संक्रांति अर्थात यह तिथि रविवार 21 मार्च सन 1499 थी। अतः आर्यभट्ट का जन्म सन मेष मार्च 21 को हुआ था। तपस्वी आर्यभट्ट के समय में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रभुत्व था, जैन धर्म भी प्रचलित था। फिर भी आर्यभट्ट निश्चय ही इन दोनों से संबंधित नहीं थे। प्राचीन कृतियों में रचनाकार प्रारंभ में अपने इष्ट देवता की प्रार्थना करता है। इसी प्रार्थना में उसने अपने मत को भी व्यक्त करता है। इस संसार की सृष्टि के लिए मुख्य कारणीभूत जो एकमात्र है, उसे और नाना भांति की सृष्टि के लिए कारणीभूत होने के कारण जो भी है, उस सत्य रूपी पारब्रह्म देवता की वंदना करते हुए आर्यभट्ट गणित क्रिया कलाप और गोल नामक 3 विषयों को बताएगा। कृति के अंत में ही स्वयंभु ब्रह्म की स्तुति आई है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत से जुड़े हुए थे। ब्रह्म के वरदान से ही यह जानकारी उन्होंने प्राप्त की। आर्यभट्ट द्वारा ब्रह्म सिद्धांत को अपनाने के 2 कारण ज्ञात होते हैं। प्रथम तो ब्रह्म सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है। दूसरा, आर्यभट्ट के निवास स्थान कुसुमपुर के विद्वान लोग ब्रह्म सिद्धांत के शरणागत को गए थे। वे उसी सिद्धांत को श्रेष्ठ मानते थे। आर्यभट्टीय यह गणित तथा खगोल शास्त्र के सूत्रों को संक्षेप में सूत्र रूप में बताने वाली कृति है। सा काफी गंभीर तथा शुद्ध वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट ने बहुत ही संक्षेप में सीधे विषयों को निरूपित किया है। इस कृति में कोई भी असंगत असंबद्ध बात नहीं दिखाई देती। भाषा में भी तांत्रिक पदों का ही बोला वाला है। बिना विवरण के श्लोक का अर्थ जानना कठिन है। भट्टीय में कुल 121 श्लोक हैं। कृति को विषयानुसार गीतिका पाद, गणिता पाद, कालक्रिया पाद और गोलापाद नामक 4 भागों में बांटा गया है। गति में प्रयुक्त छिंदों के अनुरूप इसे 2 भागों में बांटा गया है। गति का छिंदों में 10 गति का और आर्य छिंदों में आर्य अष्ट सत। इस 108 श्लोकों के भागों को ही आर्यभट्टीय कहते हैं। इसके 3 पद हैं, 33 श्लोक गणित पाद ग्रह गति से काल निर्धारण की जानकारी देने वाले, 25 श्लोक कालक्रियापाद और अंतिम 50 श्लोक का गोलपाद है। आर्यभट्ट के व्यास तथा उसकी परिधि के प्रमाण को आजकल पाय कहा जाता है। मूल्य 10 का वर्गमूल ऐसा अंदाज लगाया गया है। एक संख्या को उसी से ही गुणा करने पर आने वाला गुणनफल प्रथम संख्या का वर्गमूल बताती है। अकबर के दरबार में मंत्री आबुल फलक ने अपने समय की घटनाओं को आईने अकबरी में लिखा है। उसने लिखा है कि यूनानियों को हिंदुओं द्वारा पता लगाए गए वृत्त के व्यास तथा उसकी परिधि के मध्य संबंध के रहस्य की जानकारी नहीं थी। इस बारे में ठोस परिज्ञान प्राप्त करने वाले
हिंदू ही थे। आर्यभट्ट को ही पाए का मूल्य बताने वाला प्रथम व्यक्ति बताया गया है। पृथ्वी स्थिर नहीं है, पृथ्वी ग्रह चंद्र इसमें स्वयं का प्रकाश नहीं है। सूर्य की क्रांति से सूर्य भूमुखी गोलार्ध अपने ऊपरी क्षेत्रफल के अनुपात में सूर्य किरणों में उज्जवल दिखाई देता है। जहाँ हम बास करते हैं वह भूमि एक गोल है। अन्य खगोलों में मध्य भूमि भी आए इस कांतों से अवृत लोहे की गेंद जैसी है। जिस प्रकार कदम में वृक्ष का पुष्प गुच्छ ऊपर नीचे आजू बाजू भरा हुआ होता है, वैसे ही यह गोलाकार भूमि पानी में रहने वाले और जमीन पर रहने वाले विभिन्न प्रकार के प्राणियों से भरी है। सूर्योदय और सूर्यास्त। भूमि गोलाकार रहने के कारण और विविध नगरों को रेखांतर होने के कारण ही अलग अलग स्थानों में अलग अलग कार्यों में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। इसे आर्यभट्ट ने ज्ञात कर लिया है। ग्रहों के सही स्थान को बताने के लिए आर्यभट्ट का बताया गया ध्यान अन्य ज्योतिष शास्त्रों से भिन्न है। यह आर्यभट्ट की गणनीय उपलब्धियों में से एक है। काल विभाजन। आर्यभट्ट के अनुसार काल विभाजन बहुत ही सरल तथा वैज्ञानिक है। आर्यभट्ट ने महायुगों को चार युगों में विभाजित करके उन्हें समान बताया है। सतयुग के भी 1,80,000 वर्ष होते हैं। बीजगणित। बीजगणित को प्रारंभ करके प्रयुक्त करने वाला भारतीय गणित शास्त्रज्ञ आर्यभट्ट ही थे। उससे पहले बीजगणित का प्रचलन दिखाई नहीं देता। आर्यभट्ट ने मूल और व्याज का सूत्र भी निर्धारित किया है। यहाँ मूल से तात्पर्य है उधार दिया हुआ धन और फल का अर्थ है ब्याज। ऐसे अमूल्य ज्ञान से युक्त आर्यभट्टीय सबके लिए गौरव का पात्र बनकर सभी विद्या केंद्रों में भी इसका अध्ययन चलता है। आर्यभट्ट की अन्य कोई कृतियां नहीं मिली हैं। आर्यभट्ट कितने वर्षों तक जीवित रहा इसकी जानकारी उपलब्ध न होते हुए भी शिकागो नगर से प्रकाशित संसार के वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देने वाली कृति में अंकित किया गया है कि आर्यभट्ट ने ईस्वी सन 550 में अंतिम सांस ली, लेकिन इसके लिए उन्होंने आधार नहीं दिया है। विशेष स्थान। भारतीय वैज्ञानिकों में आर्यभट्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। खगोल गणित शास्त्रों में अपार ज्ञान प्राप्त की कृति में भारत में सर्वत्र मान्यता ही नहीं पाई, अपितु पंचांग के निर्माण में कश्मीर से कन्याकुमारी तक व्यापक रूप में काम में आई जाती है। बीजगणित, त्रिकोणमिति और खगोल विज्ञान को आर्यभट्ट की देन के रूप में काफ़ी महत्व है। इतना ही नहीं, इन शास्त्रों की व्यापक अभिवृद्धि के लिए यह कृति नींव की भांति है। सैद्धांतिक रीति से प्रारंभ करके खगोल में नूतन परिकारों का उपयोग करने वाला यही है आर्यभट्टीय। इस कृति से आर्यभट्ट दिगंत कीर्तिवान महाविज्ञानी सिद्ध हुए हैं और बहिर्वाभी वैज्ञानिकों का चमकते ध्रुव तारे के समान पथ प्रदर्शन बनाया है। 19 अप्रैल 1975 को भारत में निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट इसी अधगणिताचार्य एवं खगोल शास्त्री की स्मृति में अंतरिक्ष में स्थापित किया गया है।